हेलो एवरीवन तो कैसे हैं आप लोग हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम टू रिधमा लॉ क्लासेस आज मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद बना रही हूँ और आज की इस वीडियो का टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स अर्ली सेटलमेंट्स पार्ट टू तो चलिए शुरू करते हैं तो देखा जाए तो बॉम्बे आइलैंड जो था वो पोर्चुगीज के ऑक्यूपेशन में फिफ्टीन तक रहा सिक्सटीन में पोर्चुगीज के राजा ने अपनी बहन की शादी में ये आइलैंड किंग्स चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड को डॉरे के रूप में दे दिया था किंग चार्ल्स सेकंड ने यह आइलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में दिया और उसी सेम साल में चार्ल्स सेकेंड ने एक चार्टर इशू किया जिसमें कंपनी को यह अथॉरिटी दी गई थी कि वो आइलैंड के एडमिनिस्ट्रेशन की, की देखरेख करे, यहाँ यहां तक कि उनको ये पावर दी गई थी कि वो जस्टिस भी प्रोवाइड करें और लॉज भी बना सके कंपनी जो थी वो सिर्फ लॉज ऑर्डिनेस और रेगुलेशंस ही नहीं बनाती थी उनके पास पावर थी कि वो फाइंस भी इम्पोज कर सकती थी पेनल्टीज भी इम्पोज कर सकती थी यहाँ तक कि डेथ सेंटेंस भी दे सकती थी अगर कोई भी कंपनीज के लॉज को डिसोबे करता था कंपनी के पास इस चीज़ की अथॉरिटी थी कि वो कोर्ट्स भी इस्टेबलिश कर सकती थी जो इंग्लिश कोर्ट्स के प्रोसीजर को फॉलो करती थी शुरुआत में बॉम्बे आइलैंड जो था वो डिप्यूटी गवर्नर और काउंसिल के अथॉरिटी के अंडर रखा गया और जो पहला डिप्यूटी गवर्नर जो था बॉम्बे का वो जेराल्ड ऑंगियर थे जुडिशल सिस्टम जो था बॉम्बे में वो 1726 तक रहा लेकिन वो भी तीन स्टेजेस में बांटा गया और पहला स्टेज जो था वो 1668 से लेकर 1683 तक रहा इस पीरियड में दो जुडिशियल सिस्टम जो थे वो एस्टैब्लिश करे गए थे और पहला जुडिशियल सिस्टम जो था वो एस्टैब्लिश करा गया था 1670 में बॉम्बे जो था वो दो डिविजन्स में डिवाइडेड था और हर एक डिविजन का एक कोर्ट हुआ करता था जिसमें पांच जजेस होते थे और जो कस्टम ऑफिसर होता था वो कोर्ट का प्रेजिडेंट होता था और जितने भी जजेस होते थे कोर्ट्स के वो सारे इंडियंस थे जो जूरिजिक्शन होता था कोर्ट का वो पेटी क्रिमिनल केसेस तक ही एक्सटेंडेड था और जितने भी सिविल केसेस होते थे जो भी कोर्ट के सामने आते थे वो भी पेटी नेचर के ही होते थे जो अपील्स होती थी इस कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट वो फाइल करी जाती थी डिप्यूटी गवर्नर एंड काउंसिल के कोर्ट में जो डिप्यूटी गवर्नर एंड काउंसिल का जो कोर्ट होता था वो एक सुपीरियर कोर्ट के तौर पर काम करता था जिसके पास ओरिजिनल एंड अपीलेट जूरिजिक्शन हुआ करती थी सारे सिविल एंड क्रिमिनल केसेज में और जितने भी सीरियस ऑफेंसेस थे वो भी यही कोर्ट ट्राई करता था अपीलेट जो जो होती थी इस कोर्ट की वो उन अपील्स के अगेंस्ट होती थी जो डिविजनल कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट थी जो जुडिशल सिस्टम इस्टबलिश करा गया था सिक्सटीन में उसमें कोई डिस्टिंगशन नहीं थी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में तो आखिरकार डिप्टी गवर्नर को ये अथॉरिटी दी गई थी कि वो लॉयर मेंबर को चूज करे और जब डिप्टी गवर्नर ने मिस्टर जॉर्ज विल्कॉक्स को एज अ लॉयर मेंबर चूज किया था तब जुडिशल सिस्टम जो था 1670 का वो एबॉलिश हो गया था और एक नया सिस्टम जो था 1672 में थाब्लिश किया गया था फर्स्ट अगस्त 1672 में एक गवर्नमेंटल प्रोक्लेमेशन बनाया गया था इस प्रोक्लेमेशन में ये लिखा गया था कि जो पोर्चुगीज लॉज जो एग्जिस्टेंस में थे आयरलैंड के लिए उनको रिप्लेस किया गया था इंग्लिश लॉज से और उसके बाद से इंग्लिश लॉ जो था वो लॉ ऑफ आयलैंड बन गया था सारे मैटर्स में इस प्रोक्लेमेशन के अंदर नया जुडिशियल सिस्टम जो था वो एस्टैब्लिश करा गया था जिसमें तीन कोर्ट्स को क्रिएट करा गया था तो पहला कोर्ट है कोर्ट ऑफ ज्यूरी केज ये जो कोर्ट है वो जॉर्ज विल्कॉक्स के द्वारा ही चलाया जाता था और ये एस्टैब्लिश करा गया था सारे सिविल और क्रिमिनल केसेस को सुनने के लिए जितने भी सिविल मैटर्स होते थे कोर्ट उन सारे सिविल मैटर्स को हफ्ते में एक ही बार बैठ के सुनता था और जितने भी केसेस होते थे वो ज्यूरी की मदद से डिसाइड किए जाते थे लेकिन क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए बॉम्बे जो था वो डिवाइड करा गया था चार सेक्शंस में और हर एक सेक्शन में एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता था एज अ जस्टिस ऑफ पीस के तौर पे दूसरा आता है कोर्ट ऑफ कंजेंस ये जो कोर्ट ऑफ कंजेंस था ये भी जॉर्ज विलकॉक्स के द्वारा ही चलाया जाता था इस कोर्ट को कोर्ट ऑफ कंजेंस इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कोर्ट जो है वो क्विक और समरी जस्टिस प्रोवाइड करता था और सारे पेटी केसेस को एंटरटेन करता था इस कोर्ट में कोई भी कोर्ट फी का प्रोविजन नहीं होता था और इस कोर्ट में कोई भी ज्यूरी भी नहीं होती थी कहा जाता था कि ये जो जजेस होते थे वो इन मैटर्स को डिसाइड करते थे अपने खुद के जजमेंट के बेसिस पे तीसरा आता है कोर्ट ऑफ अपील्स डिप्यूटी गवर्नर और काउंसिल का जो कोर्ट होता था वो कोर्ट ऑफ अपील के तौर पर फंक्शन करता था वो उन सारे अपील्स को सुनते थे जो अपील्स कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के जजमेंट के अगेंस्ट आते थे जो जुडिशल सिस्टम इस्टबलिश करा गया था 1672 में वो बहुत अच्छे से चल रहा था क्योंकि वो जुडिशल सिस्टम क्विक इनएक्सपेंसिव और एफिशिएंट था लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था इस जुडिशल सिस्टम का कि जो जजेस होते थे वो अपनी इंडिपेंडेंस एंजॉय नहीं कर पाते थे उनको प्रॉपर्ली पे नहीं करा जाता था और उनको ऑफिसर्स जो होते थे कंपनी के वो हरास करते थे ये जो सिस्टम था ये सिक्सटीन तक चला था जब तक किगन्स के रिबेलियन ने इस आइलैंड को कैप्चर नहीं किया था कंपनी ने 1684 में इस आइलैंड को रिकैप्चर किया और रिकैप्चर करने के बाद कंपनी ने एक नया जुडिशियल सिस्टम इस्टैब्लिश किया सेकेंड स्टेज जो था वो सिक्सटीन से लेकर सिक्सटीन तक था एक नया जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था वो एस्टैब्लिश करा गया था कोर्ट ऑफ एडमिरालिटी जो थी एस्टैब्लिश करी गई थी बॉम्बे में और मद्रास में 1683 के चार्टर के अंडर बेसिकली जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन थे एडमिरालिटी और मेरिन टाइम मैटर्स तक ही सीमित थे लेकिन और कोई कोर्ट था ही नहीं इसलिए सिविल और क्रिमिनल मार्टर्स भी यही कोर्ट एंटरटेन करता था उसके बाद गवर्नर एंड काउंसिल द जज एडवोकेट ऑफ द कोर्ट ऑफ एडमिरालिटीज के बीच में जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होने लगे तो सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को डील करने के लिए एक नया कोर्ट एस्टैब्लिश करा गया था जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के बराबर था सिक्सटीन प्लान के अंडर लेकिन जो जुरिस्डिक्शन था इस कोर्ट का और कोर्ट ऑफ एडमिरालिटी का वो क्लियरली डीमार्केट नहीं करा गया और जो जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते थे वो बढ़ते चले गए यहाँ तक कि जब पहला रिटायरमेंट हुआ जज एडवोकेट का तो कोई और लॉयर मेम्बर कभी भी अपॉइंट नहीं किया गया कोर्ट ऑफ एडमिरालिटी में सिक्सटीन में सिद्धि याकूब जो एडमिरल था मुगल एम्प्रर का उसने आइलैंड ऑफ बॉम्बे पे अटैक किया और कैप्चर किया और 1718 में फिर से इस आइलैंड के एडमिनिस्ट्रेशन uh, को कंपनी के हाथों में दिया गया और एक नया जुडिशल सिस्टम इस्ट किया गया अब आता है थर्ड स्टेज जो 1718 से लेके 1726 तक था ट्वेंटी मार्च 1718 को एक कोर्ट एस्टाब्लिश करा गया था चीफ जस्टिस और नौ जजेस के साथ उन नौ जजेस में से पांच जजेस जो थे वो इंग्लिश थे और चार इंडियंस कोर्ट बेसिकली रिप्रेजेंट करता था मेजर इंडियन कम्युनिटीज को उन चार जजेस के द्वारा जिनको कहा जाता था ब्लैक जस्टिसज कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन थी वो सारे क्रिमिनल और सिविल मैटर्स तक थी और जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए कोर्ट अप्लाई करता था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्सियंस और जो भी रूल्स होते थे वो कंपनी के द्वारा बनाए जाते थे लॉ को अप्लाई करने के लिए लॉज ऑफ इंग्लैंड के कन्फॉर्मिटी में होना बहुत जरूरी होता था इसलिए सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के अलावा कोर्ट की ज्यूरसडिक्शन जो थी वो प्रोबेट्स एंड टेस्टमेंट्स के मैटर्स तक भी थी और इसलिए कोर्ट जो था वो फंक्शन करता था एज अ रजिस्ट्रेशन ऑफिस के तौर पे कोर्ट हफ्ते में एक ही बार बैठता था और सारे केसेस को डिसाइड करता था कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं होता था जो कोर्ट अप्लाई करता था वो सीधा सिर्फ समरी और रेडी जस्टिस प्रोवाइड करता था केसेस जो भी उसके सामने आते थे कोई रूल्स ऑफ प्रोसीजर या एविडेंस कोर्ट के द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं किए जाते थे जितने भी सिविल केसेस थे जो कोर्ट के सामने आते थे वो सारे पेटी नेचर के होते थे और जो क्रिमिनल केसेस होते थे कोर्ट के सामने जो आते थे वो अलग अलग नेचर के होते थे वो माइनर ऑफेंसेस से लेके कैपिटल ऑफेंसेस तक होते थे कोर्ट अपनी जजमेंट और पनिशमेंट जो था वो माइनर और मेजर ऑफेंसेस में देता था यहाँ तक कि पनिशमेंट इतनी सिवियर होती थी कि कभी कभार कोई रिलेशन बनता ही नहीं था पनिशमेंट और ऑफेंस के बीच में इम्प्रिजमेंट का कोई टाइम लिमिट भी नहीं होता था और जो प्रिजम्शन ऑफ इनोसेंस एंड एक्यूज और बेनिफिट ऑफ डाउट जो आज के कोर्ट में रिकोगनाइज़ किया जाता है वो पहले के कोर्ट में रिकग्नाइज नहीं किया जाता था जो ज्यूरी सिस्टम था जो पहले एग्जिस्ट करता था वो गिवन अप कर दिया गया था और कोर्ट जो था वो सारे केसेस बिना किसी ज्यूरी के ही डिसाइड करता था अब अगर सारी चीज़ों को एक साथ देखा जाए तो 1718 में जो सिस्टम इस्टेब्लिश करा गया था उसमें थोड़ी सी तो इम्प्रूवमेंट की गई थी कि इंडियन जजेस का उसमें पार्टिसिपेशन था इस चीज़ ने कोर्ट को लोकल पीपल के कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट को जीतने में मदद की थी लेकिन जो इंटरनल पोजीशन थी कंपनी की वो कोर्ट को अलाउ नहीं करती थी फंक्शन करने में प्रॉपरली लेकिन सेवनटीन एटीन के नए सिस्टम में एक चीज़ थी कि इस एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग किया गया था थोड़ा सा लेकिन तब भी एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नर और काउंसिल जो थे वो इंटरफेयर करते थे जुडिशरी के इंडिपेंडेंस में यहाँ तक कि जो इंग्लिश जजेस होते थे इस कोर्ट के वो मेंबर होते थे गवर्नर के काउंसिल के और कोर्ट के और जजेस जो थे वही प्रोसिक्यूटर होते थे बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें गवर्नमेंट जो थी कंपनी की वो अपने आप में इन्वॉल्व थी और बहुत सारे ऐसे केसेस होते थे जिसमें जजेस जो थे वो सही जस्टिस इम्पार्ट नहीं कर पाते थे अब आते हैं सेटलमेंट इन कलकत्ता। जॉब चर्नॉक जो थे वो कंपनी के सर्वेंट थे उन्होंने एक फाउंडेशन लेडाउन करा था ब्रिटिश सेटलमेंट का कलकत्ता में ट्वेंटी अगस्त ऑगस्ट सिक्सटीन नाइनटी में और एक एस्टेब्लिशमेंट करी थी फैक्ट्री की सूतानती में और एक फोर्ट बिल्ड किया गया था फोर्ट विलियम के नाम से आठ साल बाद 1698 में कंपनी ने सिक्योर करा था तीन विलेजेस जमींदारी के कैलकटा सूता गोविंदपुर और कंपनी जो थी जमींदार के तौर पे उसको वो सारे राइट्स मिले थे सारे प्रिवलेजेस मिले थे जो जमींदार्स को मिलते हैं जमींदार जो थे वो अनलिमिटेड राइट्स और प्रिवेलेज को एन्जॉय करते थे जो रूलर होता था उसको ज़मींदार्स के एक्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि वो अपनी ज़मींदारी कैसे निभा रहे हैं कैसे कर रहे हैं उसको सिर्फ रेवेन्यू से मतलब होता था लेकिन जो मुगल एम्प्रयर्स थे जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने एक हरारकी ऑफ़ कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया था और एक सही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को एस्टैब्लिश करा था लेकिन औरंगजेब के बाद वो ये सब चीज़ें भी खत्म होने लगी थी उनका इम्पोर्टेंस उनका प्रेस्टीज भी खत्म हो चुका था नवाब का कोई कंट्रोल नहीं था इन चीज़ों पे और जो नीचे लेवल के जो लोग होते थे जिनके पास ये पावर दी गई थी जस्टिस को एडमिनिस्टर करने की वो भी ढंग से परफॉर्म नहीं करते थे जब तक उनको अच्छा पे ना किया जाए तो ऐसे सकम में जमींदार जो थे जिन जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो ये सब पावर्स को एक्सरसाइज करते थे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके पास इस चीज की भी पावर थी कि वो किसी को भी पनिशमेंट दे सकते थे उनको अपने एक्शंस पे कोई डर नहीं था उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाता था यहां तक कि उनके पास इस चीज की भी पावर थी कि वो किसी को भी डेथ सेंटेंस दे सकते थे अब हम आते हैं जुडिशल सिस्टम कैसा हुआ करता था कंपनी के अंडर कंपनी जो थी जमींदार के तौर पर एक ऑफिसर को अपॉइंट करती थी कलेक्टर के डेजिग्नेशन पे जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता था टेनेंट से उसको सिविल क्रिमिनल रेवेन्यू पावर्स दिए गए थे कि अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है उसके सामने उसके जुरिस्डिक्शन में वो इन सारी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता था लेकिन उसको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दी जाती थी कि वो किस तरह से इन लॉस को अप्लाई करेगा उन डिस्प्यूट्स में जो उसके सामने आते थे जो भी अपील्स होती थी कलेक्टर के जजमेंट के अगेंस्ट वो सारी गवर्नर एंड काउंसिल के पास जाती थी लेकिन अगर कलेक्टर जो था कोई भी डेथ सेंटेंस अगर वो देता भी था तो गवर्नर एंड काउंसिल उस डेथ सेंटेंस को कन्फर्म करता था जितने भी सीरियस क्रिमिनल और सिविल मैटर्स होते थे इंग्लिशमैन से रिलेटेड वो कभी भी कलेक्टर के ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं जाते थे वो गवर्नर एंड काउंसिल ही डिसाइड करते थे देखा जाए तो कंपनी जो थी वो सिर्फ विज़मिल्दार थी मुगल नवाब के अंडर लेकिन तब भी दो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस थे पहला था कि जो अपील्स होती थी ज़मीनदार्ज के जजमेंट के अगेंस्ट वो सारी की सारी अपील्स जो थी वो कोर्ट ऑफ नवाब के पास जाती थी और जो अपील्स कलेक्टर के अगेंस्ट आती थी वो सारी अपील्स गवर्नर और काउंसिल के पास जाती थी दूसरी चीज़ ये थी कि जमींदार अगर डेथ सेंटेंस देते थे तो वो नवाब कंफर्म करता था लेकिन कंपनी के केस में गवर्नर और काउंसिल जो थे वो कन्फर्म करते थे तो ये सारे डिफरेंसेस से पता चलता था कि कंपनी शुरुआत से ही इंडिपेंडेंट थी और जो जुडिशियल सिस्टम एस्टेब्लिश करा गया था कंपनी के द्वारा कैलकटा में वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था उसमें कोई प्रोविजन नहीं था प्रो, कोर्ट के प्रोसीजर से लेके कि किस तरह से कोर्ट को प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए क्या कैसे जस्टिस देना चाहिए क्या लॉज होने चाहिए ये जुडिशल सिस्टम सिर्फ एक नाम का जुडिशल सिस्टम था अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगली बार फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय